जी तो पेरोल पेरोल क्या है, क्या होता है पेरोल, क्या होता है जी? पेरोल क्या है? द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मनी ड्यू टू ईच, द पेरोल लिस्ट इज प्रोड्यूस्ड ईच टाइम दैट एम्प्लॉयज आर पेड। ठीक है, तो नॉर्मली पेमेंट कब होती है? मंथ एंड पे। तो पेरोल कब बनता है? मंथ एंड। उसमें क्या हो गया, एक लिस्ट है, इसमें तमाम एम्प्लॉयज की लिस्ट हो गई, उनके नाम हो गए, उनके ग्रॉस पे आ गए, डिडक्शंस आ गए, नेट पे आ गए, सारे हर चीज का रिकॉर्ड मेंटेन। और पेरोल कब बनता है? मंथली बेसिस पे, क्योंकि नॉर्मली पेमेंट जो होती है मंथली बेसिस पे। अच्छा, ग्रॉस पे क्या होती है? टोटल अमाउंट, पे द फुल अमाउंट दैट एन एम्प्लॉय अर्न करता है। ठीक है, अच्छा डिडक्शन क्या होती है? ये कुछ डिडक्शन हो गए, इसमें इनकम टैक्स आ जाता है, नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन आ गया, और इसके अलावा पेंशन कंट्रीब्यूशन वगैरह भी। अच्छा नेट पे, देखिए ग्रॉस पे तो डिडक्शन माइनस करेंगे तो नेट पे। अच्छा ये जो डिडक्शन होती है कौन करता है? डिडक्शन कौन करता है सैलरी से? एम्प्लॉयर करता है। अच्छा डिडक्शन करने के बाद वो क्या करता है उन पैसों का? गवर्नमेंट को दे देता है, जेब में रख लेता है, गवर्नमेंट को पे कर देता है, इंश्योरेंस भी और पे ही दोनों। अच्छा रीड कर, ये लिखा हुआ यहाँ पे काम HMRC, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कौन क्या है? HMRC डिपार्टमेंट है, तो क्या करता है? टैक्स वगैरह कलेक्ट करता है हमारे। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अच्छा ये टर्म सुनी है आपने, MA में नहीं सुनी होगी ना, वहां नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, MA में नहीं ये टर्म यूज नहीं होती। अच्छा ये टर्म वहां यूज नहीं होती, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आपने नहीं पढ़ी होगी ना। हाँ, इसके फुल फॉर्म आपको बता देते हैं, डिपार्टमेंट का नाम है गवर्नमेंट के, जो कि पूरा टैक्स का सिस्टम वहां पे यूके में चला रहा है, कलेक्शन का। फुल फॉर्म इसकी क्या होती है? HM रेवेन्यू एंड कस्टम, HM की फुल फॉर्म क्या? एडमिनिस्ट्रेशन होम मिनिस्टर। फुल फॉर्म होती है हर मैजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म HMRC, HM रेवेन्यू एंड कस्टम भी लिखते हैं कुछ बुक्स में, कुछ उसको और शॉर्ट कर देते हैं HMRC होता है। अब देखते हैं क्या होता है, अब वो देखा जाएगा, फिलहाल ये चलेगा हर मैजेस्टी, हर तो गुजर गई। ओके, तो ये हो गया डिपार्टमेंट और उसका नाम, फुल फॉर्म आ गई। ऑफिस चलते हैं, डिडक्शन जो होती हैं दो टाइप्स की होती है, सैलरी से जो डिडक्शन होती हैं दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है कंपलसरी डिडक्शन और दूसरी होती है वॉलेंट्री डिडक्शन। ये जो आपने भी बताया कि पेई और NIC, ये होती है कंपलसरी, ये तो हर एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होती है लास्ट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से, तो टैक्स हो गया आपका, और एक NIC, ये कंपलसरी होती है। तो वॉलेंट्री में क्या आ सकता है? वॉलेंट्री डिडक्शन में क्या आ सकता है? सेविंग स्कीम्स, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, पेंशन स्कीम्स, मतलब ये ऑप्शन का वॉलेंट्री। एम्प्लॉय चाहेगा तो उसकी सैलरी से डिडक्शन होंगे, नहीं चाहेगा तो नहीं होंगे। जैसे भाई आप चाह रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिले, तो फिर उसके लिए अभी से आपकी सैलरी से आपको डिडक्शन करवाना पड़ेगी। तो हर महीने आपकी सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट होता रहेगा, पेंशन अकाउंट में जमा होता रहेगा, और रिटायर होने के बाद आपको पेंशन मिलते रहेगा। आप चाह रहे हैं कि आपको पेंशन ना मिले तो फिर डिडक्शन नहीं होती, ये वॉलंटरी है।
कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी, ये भी एक वॉलंटरी डिडक्शन है। जैसे कि आपको कोई सस्ता में आपके ऑर्गेनाइजेशन में चैरिटी का, तो हर महीने क्या होगा, आपके सैलरी से एक अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा, वो जमा होके चैरिटी कर दिया जाएगा, ये भी ऑप्शनल हो गया। सेविंग स्कीम्स, ये भी वॉलेंट्री है, एक अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट होके सेव होता रहेगा और रिटायर होने के बाद एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा, यहाँ पे पाकिस्तान में यूज होता है वो ग्रेच्युटी प्रोविडेंट फंड वगैरह का नाम आपने सुना होगा, उसी तरह होता है कि हर महीने आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट डिडक्ट होकर डिपॉजिट होता रहता है और जब आप रिटायर होते हो तो एक लमसम एक अच्छा अमाउंट आपको मिल जाता है। क्या टाइम हो रहा है? आ रहा है क्या? अच्छा, तो डिडक्शन दो टाइप की हो गई, कंपल्सरी और वॉलेंट्री। कंपल्सरी में क्या आ जाएगा आपका, एनआईसी और पेई इनकम टैक्स, और ये वॉलेंट्री डिडक्शन। अच्छा, जो एनआईसी होता है वो एम्प्लॉय की सैलरी से भी डिडक्ट होता है और एम्प्लॉयर खुद भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों अमाउंट ऐड होके जमा हो जाते हैं। और इसका बेनिफिट किसे मिलता है फिर, बेनिफिट किसको मिलता है भरने के बाद में, भरने के बाद एम्प्लॉय को मिलेगा ना, टैक्स का जो एम्प्लॉय होगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये रीड कर लें, जरा ये रीड कर लें, ठीक है, ये रीड करें और आप अटेंडेंस लें। आप ये बताएं कि एक एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉय की जो कॉस्ट आती है टोटल कॉस्ट, वो क्या होती है? एम्प्लॉयज कॉस्ट टू एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कितने का पड़ता है, कॉस्ट क्या पड़ती है, तो वो किसके इक्वल होगा, नेट पे, ग्रॉस पे या कुछ और? एनआईसी प्लस ग्रॉस पे, जी ग्रॉस पे। एनआईसी मतलब एक एम्प्लॉयर को, एक एम्प्लॉय की जो कॉस्ट आएगी टोटल कॉस्ट, वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी, ग्रॉस पे के इक्वल, नेट पे के इक्वल या कुछ और? ग्रॉस पे प्लस एनआईसी। हाँ, देखिए वो है ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। देखिए ग्रॉस, ग्रॉस पेमेंट से डिडक्शन होती है, नेट पे आ जाती है, नेट पे तो एम्प्लॉय को मिलती है, ठीक। अच्छा, वो जो डिडक्शन होती है, वो डिडक्शन के एम्प्लॉयर क्या करता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवाता है। एम्प्लॉयर की जेब से कितने पैसे गए, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एम्प्लॉय को वो क्या अमाउंट देगा, कौन सा अमाउंट देता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को कौन सा अमाउंट पे करता है, नेट। अच्छा, अब जो डिडक्शन होती है उसका एम्प्लॉयर क्या करता है, वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाता है, तो एम्प्लॉयर की जेब से कितने पैसे गए, ग्रॉस पे चली गई, नेट पे एम्प्लॉयज को दी, डिडक्शन गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाए, तो एम्प्लॉयर की जेब से कितना अमाउंट गया, ग्रॉस पे के इक्वल चला गया। उसके बाद एम्प्लॉयर खुद भी तो एनआईसी कंट्रीब्यूट करता है ना, एनआईसी में खुद भी तो कंट्रीब्यूट करता है। हाँ, दोनों मिला के इक्वल हो गए ना, उसकी जेब से कितने पैसे गए, ग्रॉस पे इक्वल गए ना, नेट पे एम्प्लॉय को दी, डिडक्शन टोटल बता गवर्नमेंट, रहे हैं आप, टोटल बता दो, टोटल जेब से कितने गए, एम्प्लॉय की जेब से कितने निकले, ग्रॉस पे निकले, ठीक है। अच्छा, फिर वो खुद भी तो कंट्रीब्यूट करता है ना, ये कुछ पैसे और चले गए जेब से, तो एक एम्प्लॉय कितने का पड़ गया, यानी कि ग्रॉस पे प्लस एनआईसी हो जाएगा, तो ये टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगी। ये मैंने लिख दिया है, कॉस्ट टू अ बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयिंग इट्स वर्क फोर्स इज ग्रॉस पे प्लस एम्प्लॉयर्स एनआईसी एंड एनी एम्प्लॉयर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी कि ग्रॉस पे में जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट आ, टोटल कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय। अच्छा, बाकी तो आपने सब चीजें बताई हैं, फाइनल क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा लेबर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का आंसर बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सॉल्व करें, 1 आपने पढ़ा हुआ है, आराम से सॉल्व कर लेंगे।
जी क्वेश्चन वन का आंसर बताएं 565 पहले का और 525 जी आ रहे आंसर 365 525 आ गया नहीं आ रहा मतलब 48 मल्टीप्लाई कर दिया सर 1 week के बाद 48 into 10 480 हो गया 480 में से माइनस करें 58 12 5 और 40 आंसर आ रहा नहीं आ रहा दो आवाज आ रही ना बाकी इधर गर्ल्स बॉयज तेज हैं गर्ल्स उस टाइम अच्छा जी अच्छा क्वेश्चन वन करवा दो पिटेगा आज ये बस तो देखिए इसकी कितने आवर्स हैं 48 आवर्स हैं 48 इनटू 10 480 हो गई इसकी ग्रॉस पे अब इसमें से डिडक्शंस होंगी टैक्सेस में क्या है पहले इनकम टैक्स लायबिलिटी 58 माइनस करते हैं फिर एनआईसी 12 माइनस होगा अच्छा वॉलंटरी डिडक्शंस है 5 स्पोर्ट्स क्लब सब्सक्रिप्शन माइनस 5 पेंशन कंट्रीब्यूशन माइनस 40 बाकी ये तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है ना ठीक है इसका सम कर लेते हैं आ जाएगा 365 नेट हो गई 365 ये तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी अब सेकंड रिक्वायरमेंट क्या है ग्रॉस पेरोल कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर इसमें ग्रॉस पे कितनी है इसकी 480 इसमें हम ऐड करेंगे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन में क्या है एनआईसी 25 प्लस पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन 20 दोनों को ऐड कर लेते हैं तीनों का सम कर ले 5 25 पेरोल कॉस्ट आ जाए कॉस्ट पेरोल कॉस्ट क्लियर ठीक है अच्छा क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू सेम रिक्वायरमेंट्स हैं सॉल्व करें जी 7,000 सेकंड पहले क्या 7,000 और दूसरे का 41 इसमें रिक्वायरमेंट चेंज है ठीक है पहले का
लेकिन ग्रॉस पे कितनी है? 6300। और एम्प्लॉयर्स पेंशन कंट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा 700। तो टोटल कॉस्ट 7000 आएगी। टोटल कॉस्ट आ गई 7000। बी रिक्वायरमेंट में नेट पे फाइंड करनी है आपको, तो ग्रॉस पे है 6300 माइनस करेंगे डिडक्शंस, इनकम टैक्स 1600, एम्प्लॉयज पेंशन कंट्रीब्यूशन 600 माइनस करते हैं 4100 नेट पे आ गए। क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है। अच्छा नंबर थ्री, अच्छा इसमें पढ़ेंगे आप बेसिक पे कैलकुलेशन। अच्छा बेसिक पे क्या होती है? बेसिक पे बिफोर अलाउंसेस होगा ना, बिफोर अलाउंसेस होगा नॉर्मल बेसिक पे आपके, हाँ बिफोर अलाउंसेस होते हैं, कमीशन हो गया ये सब, ठीक है, ओवर टाइम हो गया, इसके अलावा जो बेसिक आप बिफोर अलाउंस। ओके अच्छा, रिक्वायरमेंट पहला क्या? बेसिक पे फॉर आवरली पेड एम्प्लॉयज, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, क्वेश्चन थ्री, 35 आवर्स हैं इसके, रेट क्या है 4.5 का, तो 35 मल्टीप्लाई कर देंगे 4.5, कितना आ रहा है 157.5। इट हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन फोर, बेसिक पे फॉर सैलरी स्टाफ, ठीक है, मिस्टर अलीस पे 12,000 पर एनम फॉर वर्किंग फ्रॉम 9 AM टिल 5 PM मंडे टू फ्राइडे विद 1 आवर लंच ब्रेक एंड विद एन एंटाइटलमेंट ऑफ 20 डेज हॉलीडेज। अच्छा पूरा एक सैलरी पैकेज है इसका, ठीक है, एनुअल पे दी हुई है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब रिक्वायरमेंट मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हो सकती है। अच्छा ये पूरा एक सैलरी पैकेज है, 12,000 पर एनम सैलरी है, 9 to 5 वर्किंग आवर्स है, मंडे टू फ्राइडे यानी कि सैटरडे संडे ऑफ है, 1 आवर का लंच ब्रेक है, 20 डेज की हॉलीडेज। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी ये बताएं, अगर इसको मंथली पे मिल रही हो तो क्या मिलेगी, मंथली पे, मंथली पे क्या हो गया अगर इसको मंथली पे, इसके मंथली पे क्या होगी 12,000 पर एनम है, डिवाइड कर देंगे 12 से, 1,000 पर मंथ सैलरी होगी, ठीक है, मंथली सैलरी हो जाएगी 1,000। अच्छा अगर इसको वीकली पे मिल रही है, वीकली पे क्या होगी इसकी 250। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, लाल क्वेश्चन करने। अच्छा तो वीक मिलती है वैसे, क्योंकि वो बाहर मिलती है यहाँ से भी होता है, वीकली पे अगर कैलकुलेट करनी हो तो किसको कैसे डिवाइड करते हैं, किसको कैसे डिवाइड करते हैं, मंथली डिवाइड बाय फोर, यानी कि 1000 डिवाइड बाय फोर 250 आ जाएगा, ये कह रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि 1000 को डिवाइड कर दें फोर से, 250 वीकली पे आ जाएगी ना, ठीक है, ठीक है, रॉन्ग आंसर हो जाएगा ये, रॉन्ग है,
ये रॉन्ग हो जाएगा आंसर. अच्छा रॉन्ग क्यों होगा? अच्छा फोर से क्यों डिवाइड किया? किसमें चार हफ्ते होते हैं? एक महीने में चार हफ्ते होते हैं, ठीक है जी. कहने की हद तक ये बताएं, यदि बताए साल में. अच्छा अगर हम ये कह लें कि एक महीने में, नॉर्मली कहने में तो ये आता है ना कि महीने में चार हफ्ते होते हैं. अच्छा अगर महीने में चार हफ्ते होते हैं तो साल में कितने महीने होते हैं? साल में कितने वीक होने चाहिए? 48. साल में वीक कितने होते हैं? 52 वीक्स होते हैं. 4 वीक कहाँ गए? साल में होते कितने वीक्स हैं? 52 वीक्स होते हैं. तो 4 वीक्स कहाँ गए? कहाँ गए? बेच के. ठीक है, पूरा पाकिस्तान ही बेच के खा गए. तो अब सुनते जाए, तो अब ये कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई. ये जो 4 वाली कैलकुलेशन ये रॉन्ग हो गई ना. ठीक है, क्योंकि साल में 52 वीक्स होते हैं, तो उसका मतलब एक महीने में 4 वीक नहीं होते. वो सिर्फ कहने में आता है लेकिन होते नहीं है. ठीक है, अच्छा तो अब क्या करें? अब ये करेंगे ना? बोले क्या करना? आवाज नहीं आई. 12,000 को. हाँ, तब देखिए एनुअल सैलरी कितनी है, इसको आप डिवाइड करते हैं 52 से, पर वीक आ जाएगी ना. ये बेहतर हो गया दादा. क्या रहा है? 33. आगे आगे क्या रहा है? 30 है. 30.7. ठीक है, तो ये इसकी वीकली पे आ जाएगी. तो अभी याद रखिएगा, महीने में चार हफ्ते नहीं होते. तो जब भी वीक्स की बात होगी तो आपने 52 यूज करना है. अच्छा एक चीज और है, अब आपसे कह रहे हैं कि इसमें आप फोर वीक्स पे कैलकुलेट करें. 4 वीक्स पे, हर 4 वीक के बाद सैलरी मिलती है उसको. हर 4 वीक के बाद सैलरी मिलती है, तो क्या बनेगी 4 वीक्स पे? महीने में चार हफ्ते नहीं होते, याद रखिए. तो क्या करें? 230 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें. तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, अगर डायरेक्ट कैलकुलेट करना था क्या लिखेंगे? 12,000 डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 52. ये 4 वीक्स पे आ जाएगी ना. डिवाइडेड बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आ रहा है? 9.93.07. क्या नहीं समझ रहा? 4 से कहाँ डिवाइड किया? 52 से डिवाइड किया. पहले तो 1 वीक की आ गई, कितने वीक की चाहिए? 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी यही आएगा, सेम ही आएगा. 4 की पॉइंट 0.4 कर दें. ये लें, राउंड ऑफ का मसला है ना, तो खर्च चेंज हो जाएगा. ठीक है, राइट. तो अब याद रखना है, साल में 12 हफ्ते होते हैं, साल में 12 महीने होते हैं और 54 वीक्स होते हैं. अब ध्यान से निकाल दें, महीने में 52, हाँ साल में 12 मंथ्स होते हैं और 52 वीक्स होते हैं, और महीने में 4 हफ्ते नहीं होते. अब वो कुछ नहीं होता, अब एक महीने में कुछ नहीं होता, ऐसे ही गुजर जाता है. जी भी ठीक है, पता ही नहीं चलता कब स्टार्ट हुआ, कब गुजर गया. अब ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है. अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5. अच्छा बेसिक पे फॉर एम्प्लॉयज पेड बाय पीस वर्क. अच्छा ये आपने एमए में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, पीस वर्क. ठीक है, ये आप लोग सॉल्व करें, बाद में आंसर टैली करेंगे. क्वेश्चन 5, ऑप्शन ए. पीटर को पे कर रहे हैं 1.33. कितने आवर्स हैं? 121 यूनिट्स बनाए इसने, तो 121 इंटू 1.33 टोटल क्या बन रहा है? 160.93. ठीक है, सेकंड कौन है? सेकंड है एम्प्लॉय. सेकेंड कॉल है, इसका रेट है 0.99 फॉर बॉक्स. ठीक है दिया, तो और ये बॉक्स कितने बनाए इसने? 75. तो 75 इंटू 0.99 क्या बन रहा है?
74.5। इसकी जगह मिनिमम वेज कितनी है 80, तो इसको 72 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, इसको 74 नहीं मिलेंगे बल्कि मिनिमम वेज मिलेगी 80 पाउंड। क्लियर है? जहां पर गारंटेड अमाउंट होता है मिनिमम का, तो एक्चुअल पे अगर गारंटेड अमाउंट से कम है तो गारंटेड अमाउंट मिलता है, और अगर एक्चुअल पे गारंटेड अमाउंट से ज्यादा है तो फिर एक्चुअल पे मिल जाती है। कि एक्चुअल पे अगर इसकी बनती 90 तो फिर कितने मिलते हैं इसको 90 पाउंड्स मिल जाते हैं। यानी कि एक्चुअल और गारंटीड में से जो हायर अमाउंट होगा वो एम्प्लॉय को मिलता है। अच्छा, सी कौन है? मैरी। तो इसमें क्या है, पहले इसका 1.33 फॉर ईच फॉर 21 बॉक्सेस है, फिर उसके बाद रेट उसका चेंज हो रहा है ना, तो टोटल बॉक्स है 145। फर्स्ट 125 बॉक्सेस की पे मिलेगी इसको 1.33 के रेट से, क्या बन रहा है 166.5। फिर इसके बाद कितने बन रहे हैं, इसके एडिशनल बॉक्स कितने होंगे 25 ना, 145 माइनस 20, 125 20 होंगे, 20 × 1.47 टोटल क्या बना 20.9.4, और इन दोनों का सम कर लें, एक मिनट रुकिए, दोनों का सम कितना 1.95। तो लाइन ड्रॉ कर दूं एक, क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 6। पहले थ्री पर यूनिट है और उसके बाद उसका रेट कितना है 4 पर यूनिट हो जाएगा ना, टोटल यूनिट्स कितने हैं 109। तो फर्स्ट 100 बॉक्स की पेमेंट होगी 3 के रेट से 100, और उसके बाद 109 है तो 9 बॉक्स की पेमेंट हो जाएगी 4 के रेट से 9 × 4 = 36, टोटल हो जाएगा 336। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, बात करते हैं ओवर टाइम की। अच्छी ओवर टाइम क्या होते हैं, ओवर टाइम एक्स्ट्रा टाइम होता है जो बेसिक आवर्स के बाद ना, जैसे नॉर्मली बेसिक टाइम होता है 9 to 5, तो 5 के बाद अगर जो काम करेंगे वो ओवर टाइम हो जाएगा। अच्छा, ओवर टाइम की जो पे मिलती है वो बेसिक रेट पर ही मिलती है क्या, डिफरेंट होता है कुछ? बेसिक रेट प्लस प्रीमियम, मतलब कुछ हायर रेट होता है ना, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है उसे आप कहते हैं प्रीमियम, एमए में। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम प्रीमियम का वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसको रीड कर लेते हैं हम, ओवर टाइम। अच्छा, सुजैन नॉर्मली वर्क 35 आवर्स इन अ वीक एंड इज पेड 5 पर आवर, इन वन वीक शी वर्क्स 12 आवर्स ऑफ ओवर टाइम, 1 hour each weekday and 7 hours on Saturday. अच्छा, तो 1 hour on each, तो total overtime कितना है? और इसका breakup क्या दिया उसने? 1 hour each weekday, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक 1 hour डेली का 5 hours हो गए, और सैटरडे को 7 hours, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ होता है, टोटल 12 hours का ओवरटाइम, और ये इसका ब्रेकअप दे दिया 1 hour each weekday, 7 hours on Saturday. अच्छा, अब इसमें हमें क्या करना, हाउ मच इज हर ओवर टाइम पे, सिर्फ ओवर टाइम कैलकुलेट करना, शी इज पेड टाइम एंड अ हाफ फॉर ऑल ओवर टाइम आवर्स। अच्छा, दिस कितने आवर्स हैं? अच्छा देखिए, इसको पहले मैं दो तरह से कैलकुलेट करवा देता हूँ, जैसे आप लोग उसमें करते हैं ना एमए में, पहले वो बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट क्या करेंगे। आप लोग क्या करते हैं कि 12 आवर्स है, रेट क्या है, टाइम एंड हाफ, 12 को पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, टोटल कितना आएगा 60, तो उसके बाद 12 को मल्टीप्लाई करेंगे कितने से 0.5 से, कितना आ जाएगा 30,
टोटल बन जाएगा 9। ठीक है, यानी कि आप लोग एमए में क्या करते हैं, बेसिक अलग कैलकुलेट करते हैं और प्रीमियम अलग कैलकुलेट होता है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंट है ना। बेसिक इसमें आता है डायरेक्ट लेबर में, और प्रीमियम इनडायरेक्ट ओवरहेड्स में आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट अगर कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, 12 × 7.5 करके मल्टीप्लाई, डायरेक्ट आपके पास 90 आंसर आता है। इस तरह अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इस तरह आप डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिक प्रीमियम की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें टोटल ओवर टाइम कैलकुलेट करना है। तो आप डायरेक्ट 12 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो भी आंसर 90 आएगा। सही है, अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे, आंसर सेम ही आता है। अच्छा, फर्स्ट हो गया, सेकंड रिक्वायरमेंट है शी स्पेड, सेकंड सिचुएशन है सी शी स्पेड टाइम एंड हाफ फॉर इवनिंग ओवर टाइम एंड डबल टाइम फॉर वीकेंड ओवर टाइम। अच्छा, अब इवनिंग ओवर टाइम कितना था इसका, कितने आवर्स हैं, 5, ये 1 आवर ईच वीकडे है ना, तो ये 5 आवर्स हो गए इवनिंग के, और वीकेंड पे कितने आवर्स हुए, 7। ठीक, इन दोनों को का रेट अलग रखेंगे। टाइम एंड हाफ फॉर इवनिंग ओवर टाइम, टाइम एंड हाफ का मतलब 7.5 हो गया, 5 × 7.5 कितना आ रहे, 37.5। और वीकेंड का टाइम क्या था इसका, रेट डबल टाइम फॉर वीकेंड ओवर टाइम, वीकेंड पे 7 आवर, 5 का डबल 10 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 तो 70 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर लें, 107.5 इसका टोटल ओवर टाइम आ जाएगा। सेकंड सिचुएशन, सेकंड रिक्वायरमेंट, थर्ड पे चलते हैं। क्या लिखते हैं, शी स्पेड टाइम एंड हाफ फॉर फर्स्ट 8 आवर्स एंड डबल टाइम देयर आफ्टर, 8 को मल्टीप्लाई करते हैं 7.5 से, क्या बन रहे हैं, 63 बोले ना, 63। इसके बाद है डबल टाइम देयर आफ्टर, कितने आवर्स बचे, 4 बज गया तो 4 का रेट डबल हो जाएगा 40। टोटल कर लेते हैं दोनों का, 100 इसका टोटल ओवर टाइम आ जाएगा। क्लियर, ठीक है, कॉपी कर लें। इसमें हमें एनुअल पे गिवन है, तो पहले हम इसका रेट पे निकालते हैं। अच्छा, एनुअल को हम डिवाइड, देखिए इसमें इसकी वीकली पे कैलकुलेट करते हैं पहले, तो एनुअल पे कितनी है, 18,200 डिवाइड कर दें 52 से, तो वीकली पे आ जाएगी इसकी 350। ठीक है, अच्छा ये तो आ गए पर वीक, अब इसका रेट का निकाल लेते हैं, आवरली रेट। अच्छा, तो 350 पर वीक है, और 1 वीक में कितने आवर्स काम कर रहा है, 35 तो 35 से डिवाइड करें, इसका आवरली रेट आ जाएगा 10 पर आवर। ठीक, अच्छा ओवर टाइम का रेट क्या है, टाइम एंड हाफ है, तो 10 + 5 = 15 हो जाएगा। ठीक, और वो कहता है कि 5 आवर्स की पे उसको नहीं मिलेगी, टोटल ओवर टाइम 8 है, तो 8 − 5 3 बचते हैं, तो 3 आवर्स की पे मिलेगी। ठीक है, तो इसका ओवर टाइम 3 × 15 टाइम एंड हाफ का रेट है, तो ये बन जाएगा 45। आंसर हुआ 45। क्वेश्चन को गौर से पढ़ा करें, ठीक है, 45।